देखो दोस्तों, मामा वाटर फाउंटेन के पास बैठ के चाय पी रहे हैं। तो देखो दोस्तों, मामा तो अपना बिरयानी खा लिए और मैं अपने लिए मच्छी चावल पैक करवा रहा हूँ। रात को मच्छी चावल खाऊंगा। तो देखो दोस्तों, 10 कार्टून हो गया। हाँ तो दोस्तों, 10 कार्टून रख दिया मैंने इसमें। तो चलो दोस्तों, अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ, आप लोग भी आओ, बिस्मिल्लाह करो। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सारस ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, 2:48 हो रहा है और मामा आए हैं मार्केट में, तो मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने। अभी अभी फ़ोन करके बोले कि मैं पहुँच गया मार्केट में। अब देखो, इतनी तगड़ी धूप है, मैं सो रहा था, अब वो बोल रहे कि अभी आ। मैं बोला था शाम को आता हूँ, तो बोले नहीं अभी आ। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, अभी 2:45 हो रहा है। यहाँ पे इतना तेज़ धूप रहता है सऊदी में, एसी वगैरह कुछ काम करता है नहीं। हाँ तो दोस्तों, 3:01 हो रहा है, आ गया मैं मार्केट में। अब देखो मामा किधर बैठे हैं, हमेशा पार्क में बुला के वो होटल में भाग जाते हैं। फोन लगाता हूँ अभी, वो वहाँ है पेड़ के पास। देखो देखो दोस्तों, पार्क में पूरा वाटर शो हो रहा है और ये रहे मामा। अब हम लोग जा रहे हैं होटल में बैठ के खाएंगे कुछ। तो देखो दोस्तों, मामा तो अपना बिरयानी खा लिए और मैं अपने लिए मच्छी चावल पैक करवा रहा हूँ। रात को मच्छी चावल खाऊंगा। रेहू मच्छी है जो आप देख रहे हो सामने, यही है सालन वाला। मामा अपना बिरयानी खा के घूम रही है यहीं पे। तो देखो, ये सिटी पुलाव के सामने ही ये होटल है, बंगाली होटल। यहाँ से मैं ले रहा हूँ, हर बार बिरयानी ले जाता हूँ, बिरयानी खा खा के पक गया हूँ, इसीलिए इस बार मच्छी चावल ले रहा हूँ मैं। तो देखो दोस्तों, पार्क में बैठ के चाय पी रहे हैं हम लोग, मैं मामा। 5:15 हो गया। तो देखो दोस्तों, मामा वाटर फाउंटेन के पास बैठ के चाय पी रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, 5:21 हो रहा है और मैं निकल रहा हूँ मामा को यहीं पे छोड़ के, बाकी रूम पे जा रहा हूँ। डर रहता है इधर मार्केट में घूमो तो, कभी भी ड्यूटी आ सकता है, फ़ोन आ सकता है, तो फिर भाग के जाना पड़ेगा, इसीलिए रूम पे रहो तो सही है। नहीं तो मामा अभी 7 बजे तक है इधर और मेरा भी अभी तक तो ड्यूटी आया नहीं है। चाहता तो 7 बजे तक रुकता, मगर यही है, डर है कि कहीं पहले जैसा फ़ोन आ जाए उस दिन की तरह, तो फिर भाग के जाना पड़ेगा। तो ये मच्छी चावल ले लिया हूँ मैं, रसमलाई खाए थे हम लोग होटल में बैठ के। मामा अभी उधर बैठे हैं, 7 बजे तक बैठे रहेंगे, फिर बस यहाँ पे खड़ा होता है इधर पीछे, वहाँ से चले जाएंगे। हाँ तो दोस्तों, 8:18 हो रहा है और अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने, जो लेकर आया था मच्छी चावल। तो देखो इसमें क्या क्या मिला है, ये सलाद है, ये दाल है, ये आलू की सब्जी है, आलू गोभी की सब्जी, देख रहे हो, आलू बैंगन गोभी चना ऐसा कुछ है। मेन चीज़ ये है मच्छी, ये है रोहू मच्छी, रोहू मच्छी का सालन। तो देख लो कितना सारा हो गया सामान। और ये है मेन, तो देखो ये है चावल जो कि 2 आदमी आराम से खा लेगा और मैं अकेले 2 टाइम खाऊंगा। पानी ये सब दोपहर का। तो देखो दोस्तों, अपना खाना रेडी हो गया, ये चावल में दाल डाल लिया मैंने और ये इतना बड़ा देखो रोहू मच्छी है।
एक ही पीस मिला है इतना बड़ा, बाकी सालन है, ये दाल है और ये सब्जी है, ये सलाद है, इसमें मिर्ची भी है, नींबू भी है। तो ये है पूरा टोटल 12 रियाल का, देख रहे हो। और देखो दोस्तों, सऊदी वालों के लिए सबसे आसान प्लेट ये रहता है, इसको यहाँ पे सफरा बोलते हैं। ऐसे पन्नी बिछा के ऐसे पूरा खा लो, इसको ऐसे बांध कर फेंक दो ऐसे ही डायरेक्ट, तो ये आसान रहता है, धोना पड़ता नहीं है। मैं जब अबू के साथ रहता था तो 4 साल तक सिर्फ यही यूज किए हैं हम लोग। तो चलो दोस्तों, अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ, आप लोग भी आओ, बिस्मिल्लाह करो। हाँ तो दोस्तों, दोपहर के 12:49 हो रहा है और बैंक वाली मैडम आजकल बहुत ही दान पात्र करने लगी है। अभी अभी बोलिए कि 10 कार्टून पानी के बोतल खरीद के ले जाके वो एक सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ पे, वो हॉस्पिटल के फ्रिज में रखना है ताकि गरीब लोग पियेंगे, मरीज लोग पियेंगे तो सवाब मिलेगा उसको। तो देखो अभी मैं जा रहा हूँ शहजाद बकाले में जाऊंगा, जो मेरा पुराना रूम था, जो सिराज के दुकान की तरफ जो बकाला है वो थोड़ा बड़ा है, तो वहाँ पे जाऊंगा ठंडा ठंडा पानी लेके, फिर वहाँ पे पहुँचा दूंगा, मैं वहाँ रख दूंगा। मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा 10 कार्टून का। हाँ तो दोस्तों, आ गया मैं ये सुपर मार्केट में बकाला शहजाद। देखो ये अपने एरिया की तरफ हो रहा, सिराज का दुकान बंद है अभी। हाँ तो दोस्तों, 10 कार्टून बहुत ही बड़ा ऑर्डर है, तो गोदाम से निकाल कर दे रहे हैं। ये देखो, ये एक कार्टून 11 रियाल का मिलता है। देखो ये गोदाम। तो देखो दोस्तों, फ्रिज का ये पूरा एक रूम ही है, इसी में पूरा ये पानी का बोतल है। देखो इसमें सब ये मुर्गी वगैरह, पानी वगैरह सब रहता है। देखो ये देखो फ्रिज, आपने वो फिल्म देखा होगा कैसे वो फ्रिज में फंस गई थी, मिली मिली नाम का फिल्म जो था। देखो ये यहाँ का गोदाम है बकाला शहजाद का, तो पूरा कार्टूनी कार्टून है पानी का। तो देखो दोस्तों, 6 कार्टून हो गया, अभी 4 कार्टून और बाकी है, 10 कार्टून रखना है वो सरकारी हॉस्पिटल में। देखो ये वाला मस्जिद में इफ्तारी करने आया था मैं 1-2 दिन, बाकी तो 4 साल यहीं पे मैं किया था इफ्तारी, ये इधर ही है। तो देखो दोस्तों, 10 कार्टून हो गया, अब चलो मैं पैसे दे देता हूँ, फिर पहुँचाने जाऊँगा मैं। हाँ तो दोस्तों, बिल ले लिया मैंने, पैसे दे दिए, 110 रियाल का हुआ 10 कार्टून। 110 रियाल आप तो जानती हो, 2400 रुपए हो गए। ये अपना 10 कार्टून है, चलो अब वो हॉस्पिटल में रख के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों, आ गया मैं ये हॉस्पिटल में, यहीं पे रखना है। तो देखो दोस्तों, अभी ये पूरा फ्रिज खाली है, यहीं पे पूरा रखना है पानी, तो अभी रख देता हूँ मैं। हाँ तो दोस्तों, 10 कार्टून रख दिया मैंने इसमें, अब चलो चलते हैं अपने रूम पे, 2-4 बोतल मैं भी निकाल लेता हूँ अपने लिए। तो ये 4 गिलास मैंने निकाल लिया पीने के लिए अपने लिए, बाकी वो वाला फ्रिज में मैंने रख दिया पानी, अब चलता हूँ मैं रूम पे। हाँ तो दोस्तों देखो, एक घंटा इसी में चला गया, और पानी खरीद कर, पानी पहुँचाने में, फिर रूम पे आने में, अभी मैं पास में आ गया हूँ अपने रूम के, 2-3 मिनट और लगेगा फिर मैं पहुँच जाऊँगा। हाँ तो दोस्तों, पहुँच गया मैं रूम पे, और सोच रहा हूँ कि पता नहीं ये तीनों यहीं पे रहने दूँ कि ले चलूँ रूम पे, यहीं पे रहने देता हूँ, ड्यूटी वगैरह करते समय प्यास लगेगा तो पिया करूँगा। हाँ तो दोस्तों, शाम के 6 बज रहा है, और कफिल की वाइफ भेजी है यहाँ पे ये खमसा रियाल वाला मार्केट में, बर्तन धोने वाला वो स्पंज लेना है, तो वही लेने आया हूँ मैं। हाँ तो दोस्तों देखो, यही सब लेना है, फोटो भेजा हूँ मैं, ये कौन सा वाला चाहिए उसको वही ले जाके दूंगा। 5-5 रियाल का है, देखो 5 मतलब 6 रियाल का है,
5 रियल प्लस 75 पैसा टैक्स। हाँ तो दोस्तों ले लिया मैं ये स्पंज और जूना है, देख रहे हो दो दो ये लेने आया था मैं, बस बर्तन धोने वाला। ये रहा अपना गाड़ी, अभी चलता हूँ मैं। ये सिग्नल पार करके ही कपिल का घर है। हाँ तो दोस्तों वो बर्तन धोने वाला सामान ला के मैं दे दिया कपिल के घर पे, और बैंक वाली मैडम से वो पानी का पैसा भी ले लिया मैं 110 रियल, और 23 रियल ये जो इसका हुआ था बिल ये भी ले लिया। बाकी पेट्रोल का पैसा मांगा तो बोल रहे कि नहीं है, अभी कल दूंगा मैं। अब लगता है अलराजी बैंक का ATM खुलवाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोग अब ज़्यादा कैश रख नहीं रहे अपने पास, हर चीज़ बैंक से ही कर रहे, ATM से ही कर रहे, मोबाइल से ही कर रहे। तो इन लोगों के पास अलराजी वाला है तो वही बार बार पूछते रहते हैं, तेरे पास अलराजी है, अलराजी है, ताकि मोबाइल से ट्रांसफ़र कर दे लोग ऑनलाइन। मेरे पास अलग है वो अलहली बैंक का, SNB का है, उसमें नहीं हो पाता है, तो इन लोगों को कैश निकाल के देना पड़ता है, उसके वजह से बहुत ही परेशानी हो जाता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, यही होता है। तो जल्दी से जल्दी वो खुलवाना पड़ेगा अलराजी वाला। तो देखो दोस्तों अपना रूम पार्टनर वो अपना AC बेचने के लिए बंदे लेकर आए हैं 2-3, वो सब चला चला के अपना चेक कर रहे हैं। मैं अपना चिकन बना रहा हूँ, तो ये अपना चिकन बन के रेडी हो गया, अपना रूम पार्टनर मच्छी बना रहा है। Oh, let me up with a bright smile on now.